संधि और स्वर संधि की है पांच वेग, जिनमें से आज मैं आपको तीन बताऊंगी। दीर्घ संधि, कोण संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या होगा, दीर्घ संधि में छोटे जो वर्ण है अ, ई, उ, ये क्या है, जब अपने जैसे दूसरे वर्ण या उनसे बड़े वर्णों के साथ मिलेंगे, दीर्घ के साथ मिलेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, दीर्घ संधि बन जाएंगे। अब जैसे हमने कहा हिम जमा आय, म और म जब मिले तो क्या बन गया, हिमालय। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया है कि दो दो बच्चे दीर्घ संधि वाले बच्चे हैं, जिन्होंने दीर्घ संधि की है वो बच्चे आते जाएंगे और अपने ग्रुप में खड़े होते जाएंगे, दीर्घ संधि वाले बच्चे आएंगे और अपने ग्रुप के साथ खड़े होते जाएंगे दीर्घ संधि। कल मैंने आपको ये करने के लिए कहा था काम, और दीर्घ संधि के बच्चे आएंगे और इस हम गतिविधि को करेंगे, दीर्घ संधि का हमें अलग से ग्रुप बनाएंगे। दीर्घ संधि अपना शब्द बोलो बेटा, आपने क्या बताया, श्रद्धा का, श्रद्धा जमा आगार बनाया इन्होंने और बनाया विद्या, अपने शब्द आप अपने आप बोलो, विद्या जमा शचीन्द्र, शचीन प्लस इंद्र प्लस नारी, नारी प्लस इंद्र। यहाँ पर देखो ई और ई मिला और बड़ी ई बन गई। ठीक है, सेवा प्लस आर, सेवा पिता प्लस अंबर, पितांबर। भू जमा पूजा, पूजा अंबू जमा होगी, अंबू। तो ये हमारी हो गई दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के एक जमा एक